ओंकारो जप्पादाम्बुजरे नमः सियानाम तन्निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम जन उद्धारन को द्विजवर वपुध्र दैवी जन उद्धारन को द्विजवर वपुध्र ब्रह्म संबंध कराय कीनो पञ्चदोष निवर्तन ब्रह्म संबंध कराय कीनो पञ्चदोष निवर्तन स्वसिद्धांत सुनाई कीनो पुष्टि भक्ति प्रवर्तन स्वसिद्धांत सुनाई कीनो पुष्टि भक्ति प्रवर्तन कली में बहुत कृतार्थ कीने दीनी हरि की सेवा कली में बहुत कृतार्थ कीने दीनी हरि की सेवा गोविंद प्रभु श्री वल्लभ सब देवन को देवा गोविंद प्रभु श्री वल्लभ सब देवन को देवा भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वयकृ भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वयकृ दैवी जन उद्धारन को द्विजवर वपुध्र दैवी
जन उदारन को द्विजवर वपुत्र सारगपध निध प मग गे दैवी जीवन को श्रीवल्लभ बिन और न को पिता दैवी जीवन को सुर नर मुनि जन पावत ना समता तीन लोक में सुर नर मुनि जन पावत ना समता पुष्टि सृष्टि उद्धरण कल्पतरु प्रसरी प्रेमलता पुष्टि सृष्टि उदरन कल्पतरु प्रसरी प्रेमलता यह विवेक समुझे बिन मन की मिटत नहीं भ्रमता या विवेक समझे बिना मन की निपत नहीं भ्रमता शिव विरंचे सचे पति मन लाजत देखि सबे प्रभुता शिव विरंचे सचे पति मन लाजत देख सबे प्रभुता कहत गोविंद शिवल्लभ पद बिनु कहूँ न निर्भयता कहत गोविंद श्रीवल्लभ पद बिनु कहूँ न निर्भयता को श्रीवल्लभ बिन और न को पिता दैव जीवन को श्रीवल्लभ बिन और न को पिता शे स्थापिता शे महात्म्य करिके प्रभु स्वं से स्थापिता से सुधा तल सुख दे के पुष्टि मार्ग प्रकट कीनो वसुधा तल सुख दे के पुष्टि मार्ग प्रकट
विजयवर अवतार धर्यो बिन साधन जगत उद्धर्यो विजयवर अवतार धर्यो बिन साधन जगत हरि सेवा करि सिखाई अभय दान दीनो हरि सेवा करि सिखाई अभय दान दीनो रास रसिक मूरति श्री ब्रजपति की लीला सुजस रास रसिक मूरति श्री ब्रजपति की लीला सुजस निशिवासर ध्यान धरत रहत हृदय बीनो निश्वासर ध्यान धरत रहत हृदय बीनो चौदह विद्या निधान द्वाविंशत लक्षण युत चौदह विद्या निधान द्वाविंशत लक्षण युत षट्गुण सहित चतहु षष्ठी कला प्रवीनो षट्गुण सहित चतहु षष्ठी कला प्रवीनो और सब ध्यान छाने शरण भयो मन वचन और सब ध्यान छाने शरण भयो मन वचन कर्म करी अपनो करी ले मिटे मन मिटे अभिमानो कर्म करी अपनो करी ले मन मिटे अभिमानो गोविंद को सर्वस्व श्री विठल पद रज धन गोविंद को सर्वस्व श्री विठल पद रज धन वल्लभ वरते सबे जगत लागत हैनो वल्लभ वरते सबे जगत लागत हैनो स्ववंशे स्थापिता शेष महात्म्य करिके प्रभु स्वंशे स्थापिता शेष महात्म्य करिके प्रभु वसुधा तल सुख देके पुष्टि मार्ग प्रकट कीनो वसुधातल सुख देके पुष्टि मार्ग प्रकट कीनो
पह चरण रेनु पल करी करी जारु श्री स्वयाप चरण रेनु पल करी करी जारु मन भावनी सुभग मूरति नैन निते निहारो मन भावनी सुभग मूरति नैन निते निहारो आनंदमय वदन हृदय कमल लावो आनंदमय कमल वदन हृदय कमल लावो असदलाप सत्संग और सब बिसराबो असदानाप असत्संग और सब बिसराबो तिहारे चरण सरोज छांडी और कहूँ न जाऊँ तिहारे चरण सरोज छांडे और कहूँ न जाऊँ कहत गोविंद तिहारो जस जनम जनम गावू कहत गोविंद तिहारो सुयस जनम जनम गावू शीष्मयाप चरण रेनु पल कनी करी झारो श्री स्मयाप चरण रेनु पल कनी कर झारो कल काफी विलंब हो गया तो सपना जो प्रोग्राम है तो गोविंददास जी को पद को पूरा करने को वो नहीं हो पाया और तीसरे पद में भी थोड़ी धांधल सी हो गई थी तो वो तीसरे पद को थोड़ा से महावलोकन न्याय से फिर सु लेंगे और चौथा पद लेंगे और वाके बाद आगे बढ़ेंगे अपन स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म्य स्मयापह ये दो नामन में ये दो पद हैं और शुरुआत कवा को अपन ने काफी विस्तार से देखो रास रसिक मूर्ति श्री व्रजपति की लीला सुजस निशिवासर ध्यान धरत रहत हृदय भीनो या मैं
या कि पहली कड़ी में श्रीपद को अन्वय दो तरह से हो सके है, श्री ब्रजपति की या रास रसिक मूर्ति श्री। और मैं प्रिफरेबली रास रसिक मूर्ति श्री गा रहे हो तो पर सब लोगों को बाबा जी जुड़े बहुत ज्यादा दिखियो। वो क्योंकि प्रिंटिंग में भी वही तरह से हुआ है, कोई की गलती ऐसे नहीं कह रहे हो, अन्वय मुख या तरफ ज्यादा अच्छा दिखे है। वाको कारण क्या के साहित्य को एक सिद्धांत है, देखो दो बात को गड़बड़ मत करियो, जहां तक टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन को सवाल है वहां महाप्रभु जी को घोषित सिद्धांत यह है कि अभी का अर्थ छोड़ना नहीं चाहिए, पर साथ साथ ही महाप्रभु जी ने एक बात और अपने को समझाई है कि जो आर्थिक अर्थ होए, आर्थिक माने फाइनेंशियल अर्थ नहीं, अर्थ में से निकल तो भयो अर्थ वहां को भूलना भी नहीं चाहिए। और यही लिए महाप्रभु जी ने ही नहीं बल्कि शंकराचार्य से लेके महाप्रभु जी तक के इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी, यदि उन्हें भाष्यादि नहीं लिखे पर भी जा तरह से उनके चैतन्य चरितामृत में उपदेश आवे हैं, अब ये कथा दूसरी है कि चैतन्य चरितामृत के बारे में कुछ चैतन्य संप्रदाय के लोग यों माने हैं कि भक्ति भाव के कारण कुछ अतिरंजित वहां में बातें आई हैं, वो जैसे अपने वार्ता में अतिरंजना हो गई है बहुत जगह, वो वहां भी भई है। और जो उनके अतिरंजना बिना के चरित्र ग्रंथ हैं उनको चैतन्य संप्रदाय के लोग भी ज्यादा ऐतिहासिक माने हैं। और मेरा हर वक्त, क्योंकि हमारे दादाजी एक बात कहते थे, दादाजी ने अखंडानंद जी के एक शिष्य थे और वो दादाजी के पास जब आए वैष्णव दीक्षा लेने अपने मार्ग की, तो उनने कही कि मैं क्या पढ़ूं, दादाजी ने उनको वार्ता साहित्य पढ़ने की कही और वो वार्ता साहित्य पढ़ने के बाद थोड़े दिन बाद उनको महीना डेढ़ महीना दो महीना के बाद कुछ रिस्पॉन्स ऐसा आया कि या मैं यथार्थ इतिहास नहीं लग रहे है, कुछ अतिरंजित बातें लग रही हैं। और दादाजी ने बहुत अच्छी बात वाबखत कही थी, मैं वाबखत वहां भाजी में ही बैठे हुए तो भी पढ़ो, तो भी पढ़ो, क्योंकि वार्ता में संप्रदाय के सिद्धांत को जीनो कैसे यह समझाया गया है, जीने की आज्ञाएं तो ग्रंथ में मिले हैं पर लोगों ने जियो कैसे वह सिद्धांत को, जैसे साइंस में एक थ्योरी हुआ है एक प्रैक्टिस हुआ है, तो हर वक्त हर धर्म संप्रदाय के साथ ये एक चक्कर रह गई है कि सिद्धांत कहो कैसे गयो तो और सिद्धांत जियो कैसे गए।
कहो गयो सिद्धांत ऑलवेज इमेक्युलेट हुआ है, पर सिद्धांत को जीने में बहुत सारे फ्लक्चुएशन आते हुए हैं। वो जो फ्लक्चुएशन आवे हैं उनमें कई लोग टूट जाते हुए, जो टूट जाए हैं वो सिद्धांत को समझ नहीं सके, वो फ्लक्चुएशन को जो जी जाए हैं उनमें सिद्धांत कभी न कभी पाछा प्रकट हो जाता हुआ है। ये बात सिद्धांत की नहीं है, ये अपने पास जीवन की भी है। अपने स्वास्थ्य के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ पैरामीटर हैं कि ऐसा आदमी हो तो वो स्वस्थ कहवावे, और 100 में से कोई 10-20 ही ऐसे होते होंगे कि वो स्वास्थ्य के सारे पैरामीटर पे खरे उतरते हुए हैं। कोई को वजन ज्यादा हो है तो कोई को कुछ ज्यादा हो है, कोई को कुछ कम हो है, कोई को कुछ हो है। वो जो फ्लक्चुएशन है लाइफ के, उन लाइफ के फ्लक्चुएशन को जो जी नहीं पा रहे हो है वाकई तुम्हारे बिना छुटका ही नहीं है ना, और बल्कि वो जीव तो मरे भयो है, पर वह फ्लक्चुएशन को जो जी पावे है वो देर सवेर स्वस्थ हो सके है यदि थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल सुधारे। ये एक हकीकत है, लाइफ की भी हकीकत है, एक बात समझो बिजनेस की भी यही हकीकत है, स्टडी की भी ये हकीकत है, और अपन कोई भी परस्यूट करें हर परस्यूट की यही हकीकत है। परस्यूट माने पुरुषार्थ की, चाहे धर्म पुरुषार्थ होए, चाहे अर्थ पुरुषार्थ होए, चाहे काम पुरुषार्थ होए, चाहे मोक्ष पुरुषार्थ होए, सबकी हकीकत यह है कि जहां सिद्धांत बताया गया है, जैसे कि आपको ख्याल हो तो अक्सर मैं बताता रहूं, मजाकिया बात है कि जब 20-22 बरस का हो तो पहले बहुत दुबलो पतला था, पर 20-22 बरस को हो तो मेरा वजन बढ़ना शुरू हो, बढ़ते बढ़ते 109 हो गया। तो एक सौ नौ जब हो गए हो, एक बाबू भाई करके डॉक्टर है तो हमारा, वो जैन है तो मैंने वाकु दिखाया तो वाने कही कि एवरी एडिशनल पाउंड इज ए बर्डन ऑन हार्ट, तुम खाना खुराक कम करो। ये डॉक्टर जितनी भूख लगे उतना खाऊं, वासु ज्यादा नहीं खाऊं, वासु कम नहीं खाऊं। अब वो जाई ना तो करके मिर्ची लग गई कि तमे महाराज थी ने आवी बात करो। अरे भाई महाराज है पण भूख तो लागे के नहीं, महाराज ने कहीं भूख ना लगे थोड़े, तमारा जैन मुनि अठम करता है, मैं तो कोई अठम करता नहीं। खैर वाकू मैं समझ नहीं आयो, मुकू वो समझ नहीं आयो, बाबू भाई 45 बरस को चले गए, 79 तो मुकू आज पे, क्योंकि वह फ्लक्चुएशन को मैंने जियो। बाबू भाई एकदम परफेक्शनिस्ट था, तो वो परफेक्शनिस्ट जल्दी तकलीफ होती हुआ है, क्योंकि लाइफ कभी परफेक्ट हो नहीं सके है। इम्परफेक्शन को नाम लाइफ है, और जब अपन परफेक्शनिस्ट होने जाए ना, परफेक्ट होना बुरी बात नहीं है, पर परफेक्शनिस्ट होनो अननेसेसरी एक टेंशन को इनवाइट करना है। तो ये जो चक्कर है आइडियोलॉजी को
और प्रैक्टिकलिटी को। वामें व्यक्ति को श्रद्धा रखनी चाहिए कि यदि मैं परफेक्टली आज सिद्धांत नहीं जी पा रहा हूं, वो मेरी कोई जात की इम्परफेक्शन है, पर मेरे में श्रद्धा वो होनी चाहिए कि मैं अपनी आइडियल को भूलू नहीं और जितने कदम आइडियल की दिशा में चल सकता हूं, अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन, वो माइंडसेट खोना नहीं चाहिए। तो जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उनको अपन कॉप अप कर सकें। मैंने आपको कई वक्त सुनाई ये बात, मेरे दोहित्र बयार, बाकी जीभ इतनी बड़ी कि नाक तक आवे, तो तोतलो बोलतो तो हमारे यहां बैल बजे तो वो टुम टॉन कहतो तो। अरे मैंने कि ये बच्चा ऐसे अशुद्ध उच्चारण करे, तो मैंने आपको छेड़ने के लिए एक दिन कही तुम टॉन, तो आने काउंटर में मुख पूछे को तुम तो ही बट्टे हो। मैंने कहा आप समझ गए, मैंने आपको समझ है कि सच्चो क्या बोलना चाहिए, पर नई जीभ से बोले जा रहे हो, बड़ी जीभ है तो क्या करेगा बच्चा। तो आने बोध पाठ दियो मुख को, भाई तुम तो ही बट्टे हो। मैंने कहा आप समझ गए, अब नहीं बोलूंगा तो, क्योंकि तो को जो समझ तो है ना, सच्चो कैसे बोलना चाहिए, वो नहीं निकले तो क्या करेगा आदमी, जैसे बोलेगा वैसे ही तो बोलेगा। तुम टॉन बोल, तुम कौन के बजाय वो तुम टॉन बोले, ठीक है वो वाकी कोई जात की इम्परफेक्शन है, आज तो नहीं बोल रहे है ना। यदि आपको तुम टॉन बोलने में बंद कर दिए गए हो तो तुम कौन भी नहीं बोल पाते वो, ठीक है वाकू तुम टॉन बोलने दो। तो वाकू यह बात की अवेयरनेस तो आनी चाहिए, पप्पून की तरह ऐसे नहीं कि सिद्धांत को अपन भुला दें या सिद्धांत को मिस इंटरप्रिटेशन करें। ये एक पॉजिटिविटी है अपने लाइफ की कि आइडियल को भूलना नहीं चाहिए, आइडियल को मिस इंटरप्रिट नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो अपने लाइफ के इम्परफेक्शन है, जो फ्लक्चुएशन है, वाक्य प्रति बहुत निष्ठुरता को भाव नहीं और वाक्य प्रति बहुत गिल्टी कॉन्शियसनेस को भाव नहीं होना चाहिए। जा भाव के लिए महाप्रभु जी ने सूरदास जी को कही थी कि सूर्य के काहे घिघियाते कछु भगवत लीला गा, तो तेरे अवगुण को गान करे या को जाए भगवत गुण को क्यों नहीं गान करे, क्योंकि भगवत गुण आइडियल है और तेरे अवगुण जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं। तो गुणगान यदि करना है तो कौन के गुण को गान करना चाहिए, जो मैंने कल आपको बताई, जो अपने यहां की पुरानी हीरो के बारे में कंसेप्ट थी, वही हीरो ड्रामा में आइडियल होए तो क्या है कि आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस के कारण आदमी वाकू एडॉप्ट करना चाहे, और हर वक्त ड्रामा में अपन हीरो रियली रखेंगे तो अपने को मैसेज क्या मिले, यही रियलिटी है और यही रियलिटी को फॉलो करना है, तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा, आदमी को सब्लिमेशन कैसे होएगा। अब ठीक है रियलिटी जो है सर टुम टॉन की रियलिटी है, पर आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, टुम टॉन को कोई ना कोई एज पे जाके तुम कौन मैं कन्वर्ट करना है कि नहीं, जब करना है तो सच्ची बात यह है कि तुम कौन को भूलना नहीं चाहिए और तुम टोन से नर्वस नहीं होना चाहिए, कोई टोक तो है तो वाकु कहते भी आना चाहिए कि तुम तो ही बट्टे हो, बस तो बात ठिकाने पड़ जाए। मेरी बात समझ में आई ना, तो अपने यहां को एक सिद्धांत है कि शास्त्र के अर्थ में जहां कर्तव्य को अर्थ है वहां अभिधा को त्याग नहीं हुआ, क्योंकि अभिधा को त्याग करने से अपना जो आइडियल है वह को अपन
निग्लेक्ट करते हो जाएं। अब महाप्रभु जी ने लिए वाक्य के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, यदि ब्रह्म को इंटरप्रेट करने के लिए तुम ऐसे कह रहे हो कि कर्म को गौणार्थ कर दो, तो कर्मवादी भी यह आर्ग्यूमेंट कर सके। महाप्रभु जी ब्रह्मवादी होते हुए भी अगेंस्ट द ब्रह्मवाद आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो कर्मवादी भी यह कह सके कर्म को हाई लाइट करने के लिए ब्रह्म को निग्लेक्ट करो। जैसे अर्थवाद कर्म में हो सके, अर्थवाद का मतलब समझो क्या, जैसे कर्म में कहो कि भाई ये कर्म करो तो तुमको ये फल मिलेगा। अब वाक्य बारे में एक थ्योरी ये है कि ये फल मिलेगा, ये खोटी बात है ललचाने के लिए, वो फल वल मिले नहीं। ये कर्म करो में कर्म करने को तात्पर्य है, फल को तात्पर्य नहीं है, ये अर्थवाद है, ललचाने की बात है। वो जैसे अपने मैया मेरी कब बाड़ेगी चोटी, तू जो कहत है दूध पीवत है नागिन से वे मोटी, और कितनी बार मुझे दूध पीवत हुई अज हुए यह छोटी। तो बच्चा को भी ये प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई कि भाई ये यदि तुम फल बता रहे हो तो कब मिलेगो। अब वो क्या है कि सेफर साइज यही हुआ है कि बड़े हो जाएं तब उनको समझा देने को, तो खाली दूध पिलाने के लिए कही गई बात होती है, दूध पीने से कोई चोटी बड़ी नहीं हो गए, या का नाम अर्थवाद। तो कर्म के लिए जो भी कुछ फल बताए गए हैं, कर्म को जस्टिफाई करने के लिए जो भी कोई स्टोरी कही गई है, वो सब अर्थवाद है, केवल कर्म के प्रति ललचाने के लिए कही गई बात है, जाको अंग्रेजी में शुगर कोटेड पिल्स के हैं। कोई भी कड़वी दवा को शुगर कोट करके अपन दवा खवा दें तो पता नहीं चले आदमी को। तो यदि कर्म को सिद्धांत या तरह से अर्थवाद मूलक है, अपन देखो गांव में अपने बारे में प्रोपेगेंडा है कि महाप्रभु जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। महाप्रभु जी कर्म मार्ग को आचार्य है, कर्म को जस्टिफाई इतने दम खम सु करें शर्माए बिना, इतने दम खम से कर्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। और मां महाप्रभु जी ने कही है कि यदि तुम या तरह से या को गौणार्थ कर रहे हो, तो यह भी कहा जा सके कि ज्ञान पढ़ने में तात्पर्य है अहम ब्रह्मास्मि, एक्चुअली ब्रह्म है नहीं। और वाप जावकत महाप्रभु जी ने यह बात कही, वक्त तो लॉजिकल एक आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट के रूप में कही, पर अपन देख सके हैं कि अपनी या शताब्दी में भगवान रजनीश वही बात करते थे, उनकी कृष्ण मेरी निगाहों में पढ़ो आप, इतनी गजब बात कहें कि जितने भी धर्माचार्य भय हैं अवतार भय हैं सब मोनो डायमेंशन है, बुद्ध महावीर ये वगैरह वगैरह सब खुद जाए ना तो भी कृष्ण एक ऐसा है कि जो मल्टी डायमेंशन है। अपन गद गद हो जाए कि अपने कृष्ण की ऐसी तो स्तुति अपन ने भी नहीं की, और जब वासु कोई ना पूछो कि कृष्ण कब भय, वाणी की कृष्ण भय ही नहीं, और कृष्ण होने वाले नहीं है कभी, क्योंकि जो नहीं होते हैं उसको कृष्ण कहा जाता है। अर्थवाद हो गया ना, कृष्ण की इतनी महिमा बढ़ा के वो जैसे पहलवान लोग सामने वाले पहलवान को स्पिन करने के लिए उठा लें ऊपर, वो ऊपर उठाने के लिए नहीं उठा हमें स्पिन करके और फेंके, मतलब स्पिन को आपको ये चक्कर रखो तो भय हो, और ब्रह्म के लिए भी हो सके।
कि मुद्दा यहां ब्रह्म को जानने को नहीं है, ब्रह्म को ऊपर उठाओ। आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, और जब निधिध्यासन तुम्हारा हो गया तब आत्मा को क्या हो? बोले आत्मा हो तो आपको निधिध्यासन हुए ना, यही बात रियलाइज कराने के लिए हमने कहो। और एक बात ध्यान समझो कि ये टेक्निक खुद भगवान रजनीश की खोजी भाई नहीं थी, ये भगवान बुद्ध ने खोजी थी। भगवान बुद्ध ने खोजी थी के कोई चीज को निराकरण करना होए तो आरोप के बिना हो नहीं सके। और शंकराचार्य ने भी अको अध्यारोप अपवाद तरीके लियो बुद्ध से, कि हर चीज को पहले आरोप लगाओ और फिर वाको अपवाद करो। तो जैसे कर्म में हो सके ऐसे ज्ञान में भी हो सके। आपको प्रसिद्ध उदाहरण शंकर मत में, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं मुझको बहुत सारे चेहरा दिख रहे हैं, उनको मैंने बताई थी शाखा अरुंधति न्याय। शाखा अरुंधति न्याय में क्या, अरुंधति को तारा जो सप्तर्षि के भी पास हुए है वो बहुत जीर्ण हुए है, और शादी के बाद वर वधु के लिए एक रिचुअल है वो कि दोनों को शादी के बाद बाहर जाके अरुंधति को तारा देखना चाहिए। आजकल तो नहीं करा मैं, ये पुरानी रिचुअल थी। वो अरुंधति तारा इतना जीनो हुए कि शादी के वर वधु जो एक दूसरे में देख आंख गड़ा के बैठे उनको अरुंधति कहां से दिखेगी। वाके लिए उनको पहले दिखाई जाए को देखो पेड़ की शाखा देखो, अब वो शाखा दिख गई वो शाखा के ऊपर देखो तब जाके अरुंधति दिख। तो शाखा देखने के लिए नहीं दिखाई जाए, शाखा को देखने के बाद वाक को नहीं देखो और वाक के अलावा दूसरी कोई चीज को देखो, वाक के लिए शाखा दिखाई जाए, या को अध्यारोपा को बात करते हैं। और वे महाप्रभु जी ने आर्ग्यूमेंट करी कि तुम कर्म को यदि डिनाय कर रहे हो तो ब्रह्म पे भी ये लॉजिक तो लागू होगी होगी और होगी अच्छी तरह से होगी। महाप्रभु जी को संकोच नहीं है वाक्यान में। यासु अपने यहां अभिधा अर्थ करना चाहे ब्रह्म को होए चाहे कर्म को होए, माने चाहे तो इंपरेटिव स्टेटमेंट होए चाहे डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होए, अभिधा अर्थ को मत छोड़ो। इंपरेटिव स्टेटमेंट माने आज्ञार्थक वाक्य, और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट माने वर्णनात्मक वाक्य। तो अभिधा नहीं करनो ये बात कही, गौण करने के लिए शंकराचार्य भी ना पाड़े हैं का पीछे गौण शब्दों दृष्ट न चैतावथा शब्द प्रमाण के थे गौणी कल्पना न्यायिया सर्वत्र अनाश्वासक। कहीं गौण अर्थ कियो जाए बोलचाल में पर ब्रह्म के बाबत में गौणार्थ नहीं करनो, नहीं तो शास्त्र में अविश्वास पैदा हो जाएगा। अब ये कथा दूसरी है कि ये प्रतिज्ञा करने के बावजूद भी शंकराचार्य को अहम ब्रह्मास्मि में गौणार्थ करना पड़ा है, तत्वमसी में गौणार्थ करना पड़े है, अयम आत्मा ब्रह्म में गौणार्थ करना पड़े है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म में गौणार्थ करना पड़े है। वो कथा दूसरी फ्लक्चुएशन है, वो आइडियल नहीं है शंकराचार्य जी को। और मध्वाचार्य जी ने बिचारे ने यह बात पे अपना ध्यान खींचो है कि एक शब्द को गौणार्थ जा वक्त हमको करना पड़े तो महती जायते लज्जा, बहुत लज्जा आवे हमको कि शास्त्र को इंटरप्रेट करने बैठे और गौणार्थ हमको करना पड़े हो, और तुम आके के आके वाक्यन को गौणार्थ कर रहे हो, तुमको लज्जा क्यों नहीं आ रही ये तो बताओ।
तो अपन समझ सके कि यह बारे में अपनी आइडियोलॉजी क्या होती। और वाल्य महाप्रभु जी ने एक बात बताई, एक पैरामीटर बनायो, और वो पैरामीटर क्या है कि प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट हो कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट हो, उनके अभिधा अर्थ को त्याग किए बिना कोई आर्थिक अर्थ निकाले जा सकते हो तो दोषावह नहीं है, पर अभिहितार्थ को छोड़ के यदि कोई अर्थ निकाले जा रहे हो तो महाप्रभु जी शाउटिंग कर रहे हैं भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि वाक्य अभिहितार्थ को छोड़ने के बाद जो तुम अर्थ निकाल रहे हो वो तो शब्द से नहीं आ रहे हो है, कल्पना से आ रहे हो है। और ये विषय शास्त्र को जो है वो शब्द को विषय है, कल्पना को विषय नहीं है। और वो बात शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार करी है आइडियोलॉजिकली, यथा शब्द में है भवितव्यम, नहीं दम अति गंभीरम भाव याथात्म्यम आगम मात्रेण उत्प्रेक्षितम अपि शक्यम। ये भाव याथात्म्य इतना गंभीर है, यदि वेद नहीं बतावे तो अपन को या कि हाइपोथेसिस होनी मुश्किल है, या के लिए यथा शब्द में है भवितव्यम। आइडियोलॉजिकली वो एक्सेप्ट करें या बात को, फ्लक्चुएशन है वहां में, महाप्रभु जी वह फ्लक्चुएशन को रेक्टिफाई करना चाहेंगे, भैया फ्लक्चुएशन को कैसे रेक्टिफाई करना, या लिए दोनों ठिकाने कुछ अर्थ निकालना हो, क्योंकि भाष्यकार को एक बात ध्यान समझो कि भाष्यकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूत्रार्थो वर्णते यत्र पदै सूत्रानुसारी भी स्वपदानि च वर्णन्ते। यदि सूत्रार्थ केवल कहना है तो वृत्ति क्या खोटी होती, जो सूत्र ने कही है वही बात तुमको रिपीट करनी है तो वृत्ति कोई खोटी नहीं है, वृत्ति में वही किया जाए कि जो सूत्र ने कही है वो बात कही जाए, मक्षिका स्थाने मक्षिका। भाष्यकार को एज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात आवे कि सूत्र को अर्थ करो और वह अर्थ के आधार पर निकलते भयो भी कुछ अर्थ बताओ तो तुम भाष्यकार हो, नहीं तो वृत्तिकार हो। वृत्ति और भाष्य में बेसिक डिफरेंस ये है, तो भाष्यकार होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण कुछ तो अपनी बात बतानी पड़ेगी ना, पर वो अपनी बात लानी कहां से, निर्मूल लानी के समूल लानी, बेसिक इश्यू यह तो निर्मूल नहीं लाई जा सके है, समूल लानी चाहिए। और वो शब्द के अभिधा से जो अर्थ निकलते होए, जो अभिधा के लेवल पे सुनाई नहीं देते होए, पर ये शब्द कौन से कॉन्टेक्स्ट में वापर गयो है, कौन से प्रयोजन से वापर गयो है, कौन के लिए वापर गयो है, कब वापर गयो है, ये सारी फैक्टर्स को अपन जब ख्याल में लें तो हर शब्द अपनी कुछ कुछ ध्वनि अतिरिक्त ध्वनि भी देते हुए है। और वह ध्वनि को आर्थिक कहो है, आर्थिकंत प्रवक्ष्यामी परोक्ष कथनादृत। वो लक्षण नहीं होगा, गौणी नहीं होगी, वो अभिधा से निकलते हुए अर्थ नहीं है, अभिता अर्थ नहीं है, वो अभिहित नहीं, अभिहित तो अभिहित तो नहीं होएगा। काश्मीर वाले लोग याकू व्यंग्य कहते थे, नीचे के मैदानी इलाका के स्कॉलर याकू तात्पर्य कहते थे, वही कहने को तात्पर्य क्या, ऐसी बात कही तो क्यों कही, वो तात्पर्य को अभिता अभिधा सजा शब्द को जो अर्थ होते है बाकी बात रहे अर्थ कर दो और फिर ये कह बताओ कि ये बात कही क्यों है। चल जैसे अपन ने शिव विरंची को देखो, कल शिव विरंची में शिव विरंची को शिव को अर्थ अपन ने कोई अशिव नहीं कियो, शिव को अर्थ अपन ने कोई गणपति नहीं कियो,
विरंची को विरंची ब्रह्मा ही अर्थ कियो, कोई कुबेर अर्थ नहीं कियो। वो अर्थ करते वह ये शब्द क्यों कहे गए, वाको तात्पर्य में मैंने कुछ बातें बताई आपको। ये वाकी प्रोसीजर ख्याल में आई ना, तो तात्पर्य अर्थ कहा जा सके, वो कॉन्टेक्स्ट से पता चले ना। वो तो केवल शब्द से नहीं पता चल सके, वो तो ये सारे फैक्टर वहां में, क्योंकि कौन से संदर्भ में कही गई है, कहा उद्देश्य कही गई है, कब कही गई है, क्यों कही गई है, कौन को कही गई है, कौन ने कही है, ये सब फैक्टर को अपन विचार करें तब वो पता चले कि तो आपको तात्पर्य ये हो सके। अभी देखो एक उदाहरण दूं, फनी उदाहरण। हमारे बड़े मंदिर में एक जमुना दास अत्तर वाला तो महाबेचू, मैंने अपने को नई माल खरीदना है तो भी चौंटा दे। अब वो बेच भी आवे अत्तर, अब वो कहता कि बाबा ले लो, मैं कहता भाई अभी नहीं है पैसा। अरे तो का पैसा की जल्दी है, ले लो ना, जब देना है तब दीजिए, ऐसी बात कहते अपन ले लें, नहीं पैसा है तो अभी। फिर जब वहां से गुजरे जय जय, अब वो जय जय को मतलब कब चुका रहे हो, अब जय जय करे, जय जय को मतलब पैसा चुकाओ नहीं है, पर जब तक वहां को चुकाओ नहीं पैसा तब तक वहां के सामने से गुजरे नहीं जय जय, अरे भाई मर गए। वो जय जय सुई की तरह चुपती थी अत्तर भी चुकी, कोई जे जे कहे तो अपने को कॉलर अप हो भाई जे जे कह रहे हो, तो वो जे जे इतना नीचे देखने को हो जाता तो वो जे जे को अर्थ तो ये नहीं है ना चुकाओ, वो कहने वालो क्या संदर्भ में कह रहे हो है, कब कह रहे हो है, उन सारे फैक्टर को अपन विचार करें तो जे जे को मतलब है कब चुकाओगे अब। तो भाई चिपका जाए माल तब तो तू यो कहे कि जब भी चुका न हो तब चुकाइयो, और फिर याद दिला तो रहे जे 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 करके, वो तात्पर्य अर्थ है ना। अब तो समझ में आई बात एकदम स्मूथ सु तो ऐसे तात्पर्य अर्थ जो निकलते हुए वो अभिधार्थ जे जे को अर्थ छोड़ के नहीं है, वो जे जे में से तात्पर्य के कारण वो तरीके को अर्थ निकल रहे हो। शंकराचार्य जी खुद को सेव नहीं कर सकते क्या, मतलब जब शंकराचार्य जी सबल श्रुति निर्बल श्रुति को भेद कर रहे हैं या तत्वमसी को जो अर्थ निकाल रहे हैं, वाकु वो खुद तात्पर्य वृत्ति नहीं कह सके, अभिधा अर्थ अभिता अर्थ छोड़ के निकाल रहे हैं ना, मतलब मोक वेट अ मिनट तात्पर्य कई तरह से निकाले जा सके, अभिधा मूलक तात्पर्य, गौणार्थ मूलक तात्पर्य, लक्षणा मूलक तात्पर्य, व्यंजना मूलक भी तात्पर्य निकाले जा सके, टेक्निकलिटी ऐसी है। तो इतना सिंपल नहीं है ऑफकोर्स, पर जो महाप्रभु जी जा बात पे एजिटेट कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि लोक के व्यवहार में अपन इन सारे प्रकारों को सो बोलते हमें और समझते भी हमें अर्थ, पर जहां तक शास्त्र को विषय है वहां में अभिधा अर्थ छोड़ के तात्पर्य नहीं निकाले जा सकते, गौणार्थ मूलक तात्पर्य नहीं निकाल सकते। पर जैसे महाप्रभु जी को शंकराचार्य जी से इतना ऑब्जेक्शन है क्योंकि रिजल्ट भक्ति के वारण में आ रहे हो, पर रामानुज है इनने भी विशिष्टाद्वैत अर्थ निकाले तो महाप्रभु जी को उनसे इतनी ऑब्जेक्शन नहीं है, बस का फर्क पड़े तो मतलब वहां में भी शब्द के जो भी अर्थ वो ले रहे हैं, जैसे मध्वाचार्य ने तो तत्वमसी को अतत्वमसी बिल्कुल अपोजिट अर्थ कर दियो, फिर भी महाप्रभु जी भक्ति में वाको रिजल्ट आ रहे हो है, तो महाप्रभु जी को उनसे ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये भी शब्द शक्ति के साथ तो छेड़छाड़ तो है ही ना। नहीं नहीं
महाप्रभु जी को मध्वाचार्य जी के वह इंटरप्रिटेशन पे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है और निबंध में खंडन किया है महाप्रभु जी ने। वेद पाठ में ऐसा नहीं है, ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं। अब यह है कि उनके इंटरप्रिटेशन को रॉन्ग मान के भी उनके इंटेंशन को रॉन्ग नहीं मान रहे हैं, वो एक बात अलग हो गई ना। तो वाको तात्पर्य नहीं कहे तो वो तो शंकराचार्य के भी इंटेंशन को रॉन्ग नहीं मान रहे हैं महाप्रभु जी। स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि ये कोई शंकराचार्य जी खुद के आशय से थोड़ी कह रहे हैं, भगवान ने उनको आज्ञा करी या लिया ऐसा इंटरप्रिटेशन कर। तो जैसा द्वेष अपन शंकराचार्य से कर रहे हैं, महाप्रभु जी के शंकर मत के खंडन के कारण अपने को शंकर मत से जैसो द्वेष हो जाए है, उतना द्वेष महाप्रभु जी को नहीं है। अपन क्या अपने मेंटल ब्लॉक के कारण कोई ने कोई को खंडन किया तो आपको द्वेष समझ लें, ये अपनी प्रॉब्लम है ना। अब बुराने लोगन की वाणी जरा ऐसी होती तो खंडन करते वक्त पूरी विरोचित भाषा वापरते थे तो वास्तव लोग घबरा जाते। हमारे दादाजी के शिष्य हरिश्चंद्र शास्त्री आर्य समाज कहते हैं और हर वक्त आर्य समाज की शंका करते हैं। दादाजी ने गुस्सा होकर कही के जा आर्य समाज दयानंद की विष्ठा में पढ़। हरिश्चंद्र शास्त्री के जय 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 गजब आज्ञा करी, आपको ही वहीं पधारना पड़ेगा, मुख निकाले नहीं निकालेगा कौन मुख वहां से। दादाजी ने भी हंसके कही आएंगे तेरे लिए बस। तो उनको वाणी ऐसी करते थे, उनको इंटेंशन ऐसे नहीं होते थे। अपने मेलापाइड इंटेंशन हो, वाणी पोलाइट हो, उनके इंटेंशन एकदम बोनाफाइड होते थे, वाणी बिंदास होती थी। उनके और अपने में जो अंतर आया है ना, ये कि अपनी वाणी बड़ी मीठी हो गई है और इंटेंशन बहुत मेलापाइड है। उनके इंटेंशन एकदम बोनाफाइड होते थे और वाणी एकदम धूमधड़ाक होती थी कि सुनते ही आदमी घबरा जाए। अब वो दादाजी को डायलॉग हरिश्चंद्र जी से कोई सुने तो क्या समझते कि हरिश्चंद्र जी के प्रति दादाजी को कितना गुस्सा होएगा। पर हरिश्चंद्र जी दादाजी की जान आते, खुद बुलाते और प्रवचन सुनोगे ना दादाजी के रिकॉर्डिंग तो हरिश्चंद्र जी को एड्रेस कर करके चालू प्रवचन में घंटान बैठे रहते हरिश्चंद्र जी उनके पास। वो तो ऐसा कौन क्या, जैसे रामानुज है, मध्व है, निम्बार्क है, अब उनको तो महाप्रभु जी भगवद आज्ञा सुप्रकट राजा सात्विक तामस और निर्गुण ऐसे चार भक्ति संप्रदाय करके एड्रेस कर रहे हैं, तो वहां में तो फिर उत्कर्ष ही दिखा रहे हैं उनके मार्ग को। तो भगवद आज्ञप्त है तो भगवद आज्ञप्त कह रहे हैं यहां सु भक्ति मार्ग उनको। उनको जो है वो मायावाद जो है वो भगवद आज्ञप्त नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। पर फल कथन में फिर महाप्रभु जी स्ट्रांग है ना कि अनुगामी इनको नरक प्राप्ति होगी, तो क्योंकि वो मोह के लिए है तो होगी कि नहीं, तो इनके विषय में तो वह में महाप्रभु जी क्या करेंगे। मोह के लिए आज्ञा भई है तो वो बता रहे हैं महाप्रभु में शंकराचार्य के प्रति द्वेष नहीं है महाप्रभु जी को, जो अपने को अपने मेंटल ब्लॉक से हो जाए। उनको महाप्रभु जी को शंकराचार्य पे द्वेष नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात समझ, यदि शंकराचार्य पे द्वेष होता ना तो बद्रीनाथ की पूजा कैसे करते, बद्रीनाथ को पधराने वाले कौन, वहां तो महाप्रभु जी का हस्ताक्षर मिल रहे हैं। बद्रीनाथ को मंदिर खोलने वाले शंकराचार्य हैं, तिरुपति बालाजी को मंदिर खोलने वाले रामानुजाचार्य हैं, वहां सब प्रसाद ले हैं कि नहीं ले हैं अपन। यदि इतना बाप मारे को द्वेष हो तो शंकराचार्य सु तो बद्रीनाथ में अन्याश्रय होना चाहिए था। तो अपन अपने ऐसे ऐसे मेंटल ब्लॉक पैदा कर रहे हैं, हर वक्त लॉक हो जाए अपनों, खंडन किया ना
मैंने जरूर खराबी होएगा, ऐसा नहीं है। गुसाई जी कितनी गाली दे रहे हैं गिरधर जी को, तो बाप बेटा है दोनों। इनके इंटेंशन बोनाफाइड है, खेल तो खेल के ही ढंग से खेले जाएगा ना, चर्चा को खेले तो है ना, हमें चिंता नहीं करनी। तो भाई जो भक्ति संप्रदाय को फल, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान ने जो भक्ति मार्ग भगवान की आज्ञा से प्रवृत्त भय हो उनको भगवान की आज्ञा से फल होएगो, जो मोह मार्ग भगवान की आज्ञा से प्रवृत्त भय हो हमें मोह मार्ग को फल होएगो, हम भगवत आज्ञा को ही तो अनुसरण कर रहे हैं, दूसरी बात क्या है वहां। तो अर्थ की प्रक्रिया में फर्क पड़ रहा, तो वही पर तो महाप्रभु जी ध्यान दिला रहे हैं ना। सो जो मैं बात कह रहे हो तो वो ये आती के रास रसिक मूर्ति श्री ब्रजपति की लीला ने, अब एक बात ध्यान से समझो के श्री शब्द जो है वो ब्रजपति से जुड़ जाए, वो नेचुरल इंक्लिनेशन से अपने को लगते हुए, पर यदि श्री को या तरफ जोड़े हैं तो आपकी व्यंजना बहुत अच्छी आ रही है। अभिधा में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहे हो है, और अभिधा तो या तरफ भी अभिधा है, वा तरफ भी अभिधा है। अभिधा का मतलब डिक्शनरी मीनिंग, जो रूढ़ी में अर्थ चल रहे हो वो, पर यहां जोड़ने पे कुछ व्यंजना अलग प्रकट हो रही है, वहां जोड़ने पे कुछ व्यंजना नहीं निकल रही है। तो ध्वनि संप्रदाय पर एक सिद्धांत है कि केवल अभिधा मूलक काव्य उत्कृष्ट काव्य नहीं है, व्यंजना मूलक काव्य उत्कृष्ट काव्य कहवा है, जहां काव्य में से कुछ व्यंजना निकलती हो वो उत्कृष्ट कहवाव है। और वह कंसिडरेशन से मुको ऐसे लगे कि रास रसिक मूर्ति श्री कर्णों से एक अधिक अच्छी व्यंजना निकल रही है। और वो कौन सी व्यंजना है जो भागवतकार के हैं, शश्वत स्वरूप असहैव निपीत भेद मोहाय बोध दिशणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीलाव रासायते नमः इदं चक्रमेश्वराय। तो विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय, विश्व के उद्भव स्थिति, विश्वोद्भव स्थिति और लय के निमित्त सु जो लीला रास है, विश्वोद्भव को स्थिति लय, उद्भव स्थिति और लय को जो निमित्त जिनको लीला रास है, जो वादरायण कह रहे हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये सारी सृष्टि जो है वो एक लीला रास है। वो लीला रास की, अब देखो मेंटल ब्लॉक मत क्रिएट करो तो बताऊं बात, कि अब अपने पास दो तरीके के ब्रह्म हो गए, एक मूल रूप जिनने भी यूनिवर्सिटी को क्लास अटेंड किया उनको यह बात पता होगी, स्वरूप कोटि, कारण कोटि और कार्य कोटि, तीन तरह की ब्रह्म की कोटियां मानी। तो तीन तरह की जो कोटि है ब्रह्म की, वह में एक स्वरूप कोटि, तो स्वरूप कोटि को जो ब्रह्म है, और एक कारण कोटि को ब्रह्म है, एक कार्य कोटि को ब्रह्म है,
जैसे वहां ब्रह्म की तीन कोटि हैं, ऐसे एक अपने यहां की परिभाषा में अपन यो कहें तो व्यापी वैकुंठ में नित्य लीला विहारी एक पुरुषोत्तम और एक ब्रज में प्रकट हुए पुरुषोत्तम। जाको महाप्रभु जी निबंध कहें, मैं आज्ञा करें कि सैव भगवान कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण इत्युच्यते। सैव भगवान जो नित्य लीला विहारी, व्यापी वैकुंठ में नित्य लीला विहारी जो भगवान है, वो ही जा वक्त जगत उद्धार के लिए जगत में अपनी अखंडता पूर्णता को निभाते हुए प्रकट हुए तो वाकु कृष्ण कहो जाए। तब दो ब्रह्म हो गए ना, तो सैव में जो बात कही जा रही है वो ही ऐसे रास रसिक मूर्ति की जो श्री है वो ही व्रजपति की लीला है। ये एक व्यंजना अर्थ वहां से अधिक निकले है और या बाजू व्रजपति से जोड़ रहे हैं श्री को, ऐसी कोई व्यंजना नहीं निकल रही है। श्री व्रजपति वो क्या है, श्रिया सहित तो व्रजपति श्री व्रजपति, बस इतना स्वार्थ निकलेगा अभिकास। जैसे श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण, अभिता तो मां वही है, पर यहां व्यंजना में क्या अर्थ निकल रहा है वह पे तुम खूबसूरती पर ध्यान दो कि वो जो व्यापी वैकुंठ स्थित भगवान की जो शोभा है वो शोभा अपने को कैसे पता चले कैसी है। तो व्रजपति की लीला प्रकट होए तो आपको नाम कैसे भयो, रास रसिक मूर्ति श्री व्रजपति। हाँ, एक थोड़ा सा इंटर कैरेक्टर स्पेस वहां देने को है, श्री को यहां नहीं जोड़ के, वहां जोड़ने से एक इंटर कैरेक्टर स्पेस आएगा वहां में, जाको अपन F7 कहें, तो बस एक F7 डालने को है हमें और वो एक F7 डालने से बहुत अच्छी व्यंजना आ रही है। अब पता नहीं गोविंदास जी को ये अभिप्रेत तो कि वो अभिप्रेत तो, या के लिए मैं यह बात को ओपन रखना चाहूं क्योंकि पुराने जमाने में सब चीज जो ने पुराने टेक्स्टन को पढ़े हैं ना उनको ये बात खबर है कि वो इंटर कैरेक्टर स्पेस देने के आदि हते ही नहीं। आज ये नई सिस्टम कंटिन्यू माने दशरा मशरा, दश राम शरा के बजाय दशरा मशरा अपन को पढ़ने में आवे। इंटर कैरेक्टर स्पेस को पुराने जमाने में प्रिंसिपल नहीं है, तो